नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 13 है बच्चों। रीडिंग कैंपेन की week 3 चल रही है। डेट है आज 1 फरवरी 2022। प्यारे बच्चों, अपनी क्लास और सेक्शन, अपना नाम और अपने टीचर का नाम अवश्य लिखें। आज का थीम है बच्चों फैमिली। आइए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। चित्र पहेली, आप सभी चित्र पहेली काफी लंबे समय से कर रहे हैं बच्चों। आप समझ गए होंगे आपने दोनों चित्रों में गलतियां दी गई हैं, उनको ढूंढना है। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहली गलती आप देख पा रहे हैं, सूरज की। दूसरी देखते हैं बच्चों, ये देखिए, तो बच्चों ऐसे ही आप देखेंगे कि आपको 4 गलतियां आसानी से मिल जाएंगी। बच्चों सूरज हो गया, ये हाथ में जो बकेट है ये हो गई बच्चों, हमारा क्लाउड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए चेहरे को, वेरी गुड, ये हमारा नोज। तो बच्चों क्या 4 डिफरेंसेस हुए हमारे पास, 4 डिफरेंसेस हमारे। पहला क्लाउड, दूसरा सन, तीसरा बच्चों नोज, और फोर्थ हमारा बकेट। ठीक है बच्चों, चले आगे। आइए आगे देखते हैं। चम्मचे ही चम्मचे, आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, आपको ढेर सारी चम्मच नजर आ रही होगी बच्चों। परिवार में बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। आप सभी भी हेल्प करते हैं घर में, कमेंट करके जरूर बताएं आप घर में अपने मम्मी पापा की किन किन कामों में मदद करते हैं। चलिए वापस वर्कशीट पर कंसंट्रेट करते हैं। अब एक दिन उन्होंने चम्मचों को तरह तरह से रखकर देखा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। फिर उन्होंने चम्मचों को गिना, आओ एक बार हम भी चम्मचों को गिनकर उनकी संख्या को नीचे दिए गए खाली डिब्बे में लिखें। तो बच्चों मेरे साथ काउंट करेंगे। सबसे पहले पिक्चर में देखिए, 1 2 3 4 5, आप बोल रहे हैं बच्चों मेरे साथ, 5 के बाद, वेरी गुड, 6 7, एक नंबर आप बोलिए, मैं बोलता हूँ, वेरी गुड, 9 एंड शाबाश, कितने चम्मच है बच्चों, 10, क्या बात है। ऐसे ही बच्चों आपने दूसरे और तीसरे पिक्चर में काउंट करके इन बॉक्सेस में आपने चम्मच की संख्या लिखनी है। आगे देखिए अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए दूसरे और तीसरे बॉक्स में कितनी चम्मचें आएंगी बच्चों, वेरी गुड, दूसरे में भी कितनी आई है, 10, शाबाश, तीसरे में काउंट कीजिए, यहां भी 10, क्या बात है बच्चों। तो अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए चित्रों में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग अलग। तो आप सभी ने बताया क्या है बच्चों, चम्मचों की संख्या क्या आई है बच्चों, बराबर। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं। बच्चों आइए अब अपने प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का आंसर होगा बराबर। दूसरे प्रश्न में देखिए बच्चों, जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को सजाकर रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीजों को अलग अलग तरह के समूह बनाकर रखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, आप किन्हीं 12 एक जैसी चीजों, जैसे 12 चूड़ियां, मोती,
12 फूलों या रंगों को अलग अलग समूह में रखकर दिखाइए और उसका फोटो खींचकर अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। बच्चों, प्रश्न 4 देखिए, ऐसी चीजों के नाम बताइए जो हमें जोड़ों में मिलती है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे जुराबे। तो बच्चों, आपके शूज, वेरी गुड, शूज के अलावा आपके, कुछ बच्चे चप्पल बोल रहे हैं, ठीक है चप्पल लिख दिया बच्चों। ईयर्स में आपको, ठीक है ईयर रिंग्स भी लिख दिया। और बताइए बच्चों, ठीक है ग्लव्स, आप कमेंट करके बाकी भी बता सकते हैं बच्चों जो हमें पेयर में चीजें मिलती हैं। आगे देखते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर की चीजों को सजाकर रखने के लिए कहिए, जैसे अलमारी में कपड़े लगाना, बर्तनों को सजाकर रखना, किताबों को सजाकर रखना आदि। बच्चों, कोविड के विरुद्ध लड़ाई जारी है तो मास्क पहन कर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।